गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक टू जीके टुडे आज के इस वीडियो में जुलाई 30 के करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं ये वीडियो थोड़ा लेट हुआ है आज आज के जो की टॉपिक्स हैं वो है फोर्टीन ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ग्रेनियम मैगनेटो फॉसिल्स एटमिक मिनरल्स डायरेक्ट्रेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च वाइन डेमन डार्क ऑक्सीजन नोवा एक्सपेरिमेंट मरकोसुर कसावा विलेज समाधान पोर्टल इस वीडियो के शुरू में हम 10 से 15 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद में लगातार चार पांच जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं आप लोगों के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करेंगे और लास्ट में कुछ पी भी मैं इसमें आपको पी भी मैं आपको कराने वाला हूँ ठीक है आज का पहला प्रश्न है रिसेंटली वेयर वाज फोटीन ईस्ट एशिया सम्मिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग दैट वाज हेल्ड ये कहाँ पे हुई थी ईस्ट एशिया सम्मिट की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग देखिए ये ईस्ट एशिया समिट नहीं हुई है बल्कि उनके जो कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है वियंतीन लाओ पी के अंदर वियंतीन जो है वो लाओ पी एक कंट्री है लाओ पी की जो कैपिटल है उसका नाम है वी और यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जंग जय शंकर है वो इस, इस मीटिंग में जाके आए हैं ठीक है इन्होंने अटेंड किया है ये जो मीटिंग हुई है इसमें अलग अलग दो तीन और भी मीटिंग हुई है जैसे आशियान इंडिया रिलेशंस ईस्ट एशिया सम्मिट आशियान रीजनल फोरम और ये सब भी इसके अंदर हुई है अब आपके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बता दूँ सबसे पहले हम बात करते हैं लाओ पी की लाओ पी जैसा कि आप इसमें देख सकते हो लाओ पी या लाओस जो कंट्री है वो चारों तरफ से आ, कुछ कंट्रीज से घिरा हुआ है नॉर्थ में चाइना है आ, वेस्ट में म्यांमार है साउथ में थाईलैंड है कम्बोडिया है और ईस्ट में वियतनाम है तो लाओ पी इज बेसिकली द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि लाओ पीडीआर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है ठीक है दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि लाओ पीडीआर जो है ये वियतनाम और थाईलैंड के बीच में है यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो लाओ है और ऑफिशियल करेंसी जो है उसको बोलते हैं लाओ किप ठीक है रिच हिस्ट्री है इसकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है लुआंग प्रबांग ये लाओस के अंदर मौजूद है इट इज़ आल्सो वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग कम्युनिस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जैसे कि चाइना क्यूबा वियतनाम एंड नॉर्थ कोरिया तो लाओस जो है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड वेरी फ्यू कंट्रीज आर रिमेनिंग इन द वर्ल्ड विच आर कम्युनिस्ट उनमें से एक लाओस भी है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रीनियम दैट वाज रिसेंटली मेंशन इन न्यूज़ तो ग्रीनियम जो है एक टर्म है काफी दिनों से ये चलता है न्यूज़ में कभी-कभी आता है पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था तो उस टाइम ये इसके बारे में काफी डिस्कशन हुए थे ग्रीनियम को आप समझें एक प्रीमियम के नाम से पहले मैं इसका आंसर दिखा दूं

और सौ रुपए का जो रेगुलर बॉन्ड आपने लिया था उस उसपे आपको दस रुपए का बेनिफिट मिला तो जो ग्रीनियम हो गया वो कम हो गया ठीक है लेकिन अगर आपको ग्रीन बॉन्ड पे पंद्रह रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है और रेगुलर बॉन्ड दस ही देता है तो आपको ग्रीनियम ज्यादा मिल गया तो ज्यादा ग्रीनियम का मतलब है कि आप जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर तो यहां पे पॉजिटिव ग्रीनियम दैट मींस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स और नेगेटिव ग्रीनियम दैट इज अट्रैक्टिवनेस ऑफ़ द रेगुलर बॉन्ड्स इन कम्पेरिजन टू ग्रीन बॉन्ड्स तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बोला है कि भाई आप थोड़ा फोकस कीजिए किस पे सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस कीजिए और क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया के जो ग्रीन बोंड हैं वो बहुत ही लो जो है ग्रीनियम ऑफर कर रहे हैं और इसकी वजह से जो लोअर यील्ड्स हैं इन कम्पेरिजन टू कन्वेंशनल बॉन्ड्स उसकी वजह से इंडिया का जो ग्रीन बोन्ड मार्केट है वो कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो इस क्वेश्चन में आपको मेन चीज़ यही समझने की थी ग्रीन बॉन्ड्स की अगर अपन बात करें तो वो एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं दे आर डिज़ाइन टू सपोर्ट द स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड और एनवायरमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली रिसर्चर्स हैव स्पॉटेड मैग्नेटो फोसिल्स इन विच रीजन ऑफ इंडिया पहले इसका आंसर देखेंगे आंसर है इसका लद्दाख मैग्नेटो फोजिल्स कहाँ मिले हैं लद्दाख में लद्दाख कहाँ है इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन रीजन में हिमालयन रीजन में मैगनेटो फोसिल्स मिले हैं इस चीज की रिलेवेंस क्या है वो मैं आपको बता दू सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये मैग्नेटो फोजिल्स मिले हैं ये लद्दाख की बहुत पुरानी जो चट्टाने हैं पुरानी जो रॉक्स हैं उनमें मिले हैं ये पहली बात हो गई दूसरी चीज़ क्या है बहुत ही प्रीमिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके बारे में जो जो मेन मेन चीज़ें आपको आ, याद करनी है जो समझनी है वो मैंने यहाँ लिख दी है पहली चीज़ है मैग्नेटिव फॉसिल्स आर बेसिकली फजलाइड चेन्स ऑफ मैग्नेटाइट और अदर मैग्नेटिक मिनरल्स इन द बैक्टीरिया

फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च डिस्कवर्ड 1600 हंड्रेड टनस ऑफ लीथियम रिसोर्स इन विच स्टेट तो लीथियम की डिस्कवरी जहाँ पे भी होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और उसकी वजह है लीथियम का यूज लिथियम आयन बैटरी का आप सबको पता होगा लीथियम आयन बैटरी जो है वो हमारे मोबाइल्स में होती है लैपटॉप्स में होती है ठीक है इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होते हैं उसमें भी ये काम आता है पहले एक बार लिथियम के नोट्स देख लेते हैं लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल आपसे पूछा जाता है कौन सा है पीरियोडिक टेबल में लाइटेस्ट एलिमेंट तो वो हो गया है लिथियम दूसरा है इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सबको पता है आपको इट हैज ए सिल्वर सिल्वर वाइट कलर एंड कैन इजीली गेट डिसकलर्ड वेन एक्सपोज टू एयर इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन मेडिसिन लिथियम इज़ यूज टू ट्रीट डिफरेंट मूड डिसऑर्डर्स सच एज बाइपोलर डिजीज आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कौन सा मेटल है जिसको वैसे तो और भी मेटल्स होंगे बट लिथियम जो है इसका ये एक यूज हो सकता है ये चीज़ एक रेयर ट्रिविया है वो आप चीज़ ध्यान रखिए अठारह में इसको खोजा गया था ठीक है अब हम बात करते हैं ये डिस्कवरी की तो ये डिस्कवरी जो है 1600 टन लिथियम का एक भंडार मिला है कहाँ पे कर्नाटका में कौन से डिस्ट्रिक्ट में मांड्या और यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज आपको ध्यान रखनी है चलते हैं अगले प्रश्न पे अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री अनवेल्ड द कंट्रीज न्यू एयर टू सरफेस मिसाइल डब्ड विंड डेमन तो इसका मतलब यह है कि विंड डेमन नाम की जो मिसाइल है ये कौन से कंट्री ने आ, अभी लॉन्च की है नाम है इसका इसराइल इसराइल जो है उसकी एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है उसने लॉन्च किया है विंडेमन कोस्ट इफेक्टिव क्रूज मिसाइल है ये और लॉन्ग रेंज के जो स्ट्राइक्स होती हैं उनके लिए ठीक है डेमन जो आ, क्रूज मिसाइल है, आ, वो कुछ इस प्रकार की दिखती है मैं आपको दिखा दूं कुछ इस तरह की ये मिसाइल है ठीक है और इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स और टारगेटिंग बोथ मोबाइल एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स ऑटोनोमसली ठीक है 200 किलोमीटर की इसकी रेंज है 140 किलोग्राम इसका वजन है ज़्यादा अपने को इसमें ध्यान नहीं देना है कुछ चीज़ें जो इसराइल के बारे में अपन नोट कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ सबसे पहली बात तो जो इसराइल है वो यहूदियों का जो है एकमात्र देश है द ओनली जूिश लैंड जूश होमलैंड ऑन अर्थ ठीक है इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बोथ जूडाइजम एंड क्रिश्चियनिटी

प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट डार्कनेस थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो ओशन सरफेस इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि हम लोग जो जानते हैं वो ये है कि ऑक्सीजन जो है हम लोग ये मानते हैं कि ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वो सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है लेकिन ये साइंटिस्ट के लिए थोड़ी अलग चीज़ है बिकॉज डार्क ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन टोटल डार्कनेस डीप अंडर वाटर ठीक है तो ये डिफरेंस है और ये ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस कहाँ होती है प्रोड्यूस कैसे होती है ये की जाती है nodules जो होते हैं उनके द्वारा तो पानी जो एच टू ओ उसको ये तोड़ के और उसके द्वारा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और कहाँ प्रोड्यूस होती है ये प्रोड्यूस होती है कहाँ पे डी uh, पोशंस के अंदर और इसीलिए इसको जो है डार्क ऑक्सीजन बोला जाता है ऑक्सीजन की अगर अपन एक बार बात कर लें तो ये आठ नंबर का एटम हुआ पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका एटमिक नंबर हो गया एट एटमिक मांस इसका सिक्सटीन होता है इट इज़ द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स हाइड्रोजन और हीलियम के बाद में इट इज इसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म छोटी सी बात है सबको पता होगा और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्वेंटी वन परसेंट अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उसको ये बनाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोवा दैट इज न्यूमी ऑफ एक्सिस वी अपियरेंस एक्सपेरिमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज तो ये एक एक्सपेरिमेंट है नोवा एक्सपेरिमेंट ठीक है और इसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव है इसका टू स्टडी द न्यूट्रीनो ऑसिलेशन साइंटिफिक प्रोजेक्ट है स्टडी करना है न्यूट्रीनोज को न्यूट्रीनो जो होता है वो सब एटमिक पार्टिकल होता है न्यूट्रीनो जो है चार्जलेस होता है मासलेस होता है इट डजेंट इंटरेक्ट विद द मास ओके यहाँ पे मैं नोट्स इसके लिख दिए हैं न्यूट्रेनो न्यूट्रेनोज आर सब एटमिक पार्टिकल्स दैट ट्रेवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करते हैं ध्यान रखना मास होता है इसमें लेकिन बहुत कम होता है इतना कम होता है कि दे आर नॉट बिकॉज अगर मास जीरो होगा तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा राइट right? तो यहाँ पे ये यह हो गया कि दे आर सब एटमेटिक सब एटमिक पार्टिकल्स दैट ट्रैवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज फर्स्ट थिंग दे लैक एन इलेक्ट्रिक चार्ज मेकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अब डिटेक्ट जो है करना बहुत मुश्किल होता है इसलिए न्यूट्रीनो में आप लोग कई बार पढ़ते हो गए और उसकी वजह ये है कि दे नॉट हैव द इलेक्ट्रिक चार्ज सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन आठ रिसेंटली विच कंट्री बिकेम ए फुल मेंबर ऑफ मर्कोसुर ग्रुपिंग टू इंक्रीज ट्रेड्स विद मेंबर कंट्रीज सबसे पहली बात मरकोसुर क्या है मरकोसुर जो है उसके बारे में जानना है और बोलीविया जो है उसका लेटेस्ट मेंबर बना हुआ है तो बोलिविया जो है उसने मरकोसुर को ज्वाइन कर लिया है टू बूस्ट ट्रेड विद इट्स मेंबर्स मरकोसुर जो है एक लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिक ब्लॉक है जिसका 1991 में जो बना था ओरिजिनली जो है इसके मेंबर थे वो थे अर्जेंटीना ब्राजील पराग्वे एंड उरुग्वे ठीक है और बोलीविया और वेनेजुएला भी बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था लेकिन बाद में वेनेजुएला जो है उसकी जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया गया था ठीक है तो ये जो ब्लॉक है ये प्रमोट करता है क्या फ्री ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड करेंसी अक्रॉस द बॉर्डर्स इन द साउथ अमेरिका ठीक है

यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसने टोटल पाँच हज़ार करोड़ रुपए रखे हैं किसके लिए फॉरेन एड के लिए ठीक है जो, दो हजार के बजट में और ये जो फॉरेन एड है इसके अंदर हाईएस्ट शेयर जो मिला है वो भूटान का है इसके अलावा कुछ शेयर नेपाल और श्रीलंका का भी है ठीक है और कुछ स्टेबल एड जो है अफगानिस्तान और मालदीव के लिए भी है तो इसके अलावा ये भी है सौ करोड़ रुपये इन्होंने जो है चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट जो है उसके लिए भी रखा हुआ है यहाँ पे जो आ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबसे पहले एक बार भूटान के बारे में मैं आपको बता दूं भूटान जो है हमारा पड़ोसी देश है राइट साइड में ईस्ट साइड में ठीक है थिंपू इसकी कैपिटल है और ये इसको बोलते हैं ड्रक युल वहां की लोकल लैंग्वेज में ड्रक युल बोलते हैं भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट एब्जोर्व मोर कार्बन देन इट प्रोड्यूसेज तो इट इज द ओनली कार्बन न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल ठीक है यहाँ पे अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है भूटान इज द ओनली कार्बन न्यूट्रल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ठीक है दूसरी चीज क्या है दूसरा है कि इट इज नोन एट द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा इट इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लीगेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इट इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लीगेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट और थिम्फू जो है जिसकी जो भूटान की कैपिटल है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू कैपिटल्स इन द वर्ल्ड विदाउट ट्रैफिक सिग्नल्स अब तो हो गए होंगे खैर वहां पे आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए ठीक है यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि चाबहार जो पोर्ट प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ठीक है चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है कौन से कंट्री में है ईरान में है देखिए ईरान में यहाँ इंडिया के कांदला और इंडिया के जो वेस्टर्न साइड के जो पोर्ट्स हैं ठीक है उनको ये चाबहार ऐड करता है किधर ईरान के अंदर तो हम पाकिस्तान को बाईपास करके वहां उससे आगे हमारे पास में एक ही पोर्ट यहाँ पर है ठीक है चलिए अब अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कसावा विलेजेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नागालैंड और नागालैंड में क्या है कि जो मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक कंपनी है जिसने बायोप्लास्टिक बैग्स बनाए हैं और किससे बनाए हैं कसावा स्टार्च से कसावा क्या है कसावा एक प्लांट है ट्रॉपिकल क्रॉप है ये हाई स्टार्च कंटेंट होता है इसके अंदर ठीक है इसकी जो जड़ें होती है दे आर सोर्सेस ऑफ हाई स्टार्च कंटेंट ठीक है और इसीलिए दैट इज सूटेबल टू मेक uh, बायोप्लास्टिक्स एंड बायोएथेनॉल ठीक है तो वहां पे ये जो आ, कुछ एरियाज है इस डिस्ट्रिक्ट के उनका नाम रखा गया है उनको नाम दिया गया है क्या कसावा विलेजेस ठीक है नागालैंड में मौजूद है ये इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है समाधान पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वाज लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एनवायरमेंट ने समाधान पोर्टल को लॉन्च किया है किस लिए To resolve the industrial disputes, that is one thing to improve efficiency and transparency with online filing and past, faster case handling. It also addresses the cases under various labor laws, including gratuity, wages, and maternity benefits. Okay. Hai next question pe. next question hai, Nalanda Rajgir corridor, recently seen in news, is located in which state? नालंदा आप सबको पता होगा बिहार में है राजगीर आपको पता होगा तो ये आ, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है नालंदा राजगीर कॉरिडोर जो है वो बिहार में है राजगीर जो है उसको गिरीव रजा भी बोलते हैं हिंदुइज्म बुद्धिज़्म और जैनिज्म तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है ये बिहार में ठीक है यहाँ की सबसे बड़ी बात यहाँ पे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है और नालंदा यूनिवर्सिटी भी यहीं पे थी राजगीर के अंदर ठीक है फर्स्ट कैपिटल थी एंशियंट मगध एम्पायर की मगध किंगडम की पहली राजधानी राजगीर थी और इट इज आल्सो ए बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट यहाँ पे राजगीर में गौतम बुद्धा ने आ, अपने सरमन्स दिए थे और किंग बिम्बिसार जो थे क्योंकि बिम्बिसार की राजधानी थी राजगीर ठीक है उनको कन्वर्ट भी किया था बुद्धिज्म में नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैजेल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट टाइटल्ड इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बींग ऑफ एडोलसेंट्स इन इंडिया तो ये एक रिपोर्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ नहीं है सिर्फ ये अपने को ध्यान रखना है कि भारत जो है एडोलसेंट पॉपुलेशन में वर्ल्ड का नंबर वन है यहाँ पच्चीस करोड़ बच्चे हैं जो अट्ठारह साल से छोटे हैं मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले कुछ सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें एडोलसेंस हेल्थ जो है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है उनकी जो 50 परसेंट ड्रॉप उनकी मोर्टेलिटी में हुआ है पहले ज्यादा बच्चे मरते थे अभी कम मरते हैं ठीक है और जो फर्टिलिटी रेट्स है उसमें भी थोड़ी कमी आई है तो इसका जो प्लस पॉइंट जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर होता है ठीक है फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंसड क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आगे क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड सी ए सी एफ एफ ठीक है एज ए पार्ट ऑफ इनिशिएटिव फॉर द यू एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप ट्वेंटी नाइन देखिए ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है टू थाउजेंड नाइन में ट्वेंटी नाइन में कोप ट्वेंटी नाइन अभी से तैयारी कर रहे हैं किसकी एक फंड की ये फंड क्या है इसका नाम क्या है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड प्रपोज किसने किया है तो ये चीज़ अभी फिलहाल प्राइमरी इसकी इंफॉर्मेशन है कि इसको प्रपोज किया है अजहरबाइजान ने अजरबैजान ने ये फंड के लिए प्रपोज किया है और लॉन्च किया है और इस फंड के अंदर टोटल वन बिलियन डॉलर रेज किया जाएगा एक बार रेज करने के बाद में स्टार्ट किया जाएगा कम से कम दस कंट्रीज जब इसको कमिट कर देंगे तब और आ, उसके बाद में ये स्टार्ट होगा कहने का मतलब ये हो गया कि पहले इनको एक बिलियन डॉलर की फंडिंग चाहिए और कमिटमेंट चाहिए कम से कम दस कंट्रीज से बेसिकली इसका आइडिया ये है टू सपोर्ट द क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड एम्स टू एड्रेस द नेचुरल डिजास्टर्स ठीक है अजरबैजान जो है इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के क्रॉस रोड पर है ये इंडिपेंडेंट हुआ कब सोवियत यूनियन से 1991 में इसकी जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो बाकू है और रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज तो ये नोट्स मैंने आपको बता दिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हसदेव अर फॉरेस्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट तो ये हसदेव अरन फॉरेस्ट जो है छत्तीसगढ़ में ये जो फॉरेस्ट है हसदेव अरन फॉरेस्ट काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहे हैं और वजह ये है कि ये जो एरिया है ये कोल रिच एरिया है ठीक है माइंस यहाँ बहुत हैं और बहुत माइंस यहाँ आना चाह रही हैं सेंटर ने एक्सपेक्ट किया है कि वहाँ पे अभी पौने तीन लाख पेड़ और काटे जाएंगे टू फॉर माइनिंग इन दिस एरिया और अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट जो है उसने कंसर्न्स रेज किए हैं और किसके लिए फॉरेस्ट लॉस इन हसदेव अरंड और ग्रेट निकोबार दोनों के अंदर चलिए अब देख लेते हैं रिविज़न क्वेश्चन पहला जो की है वो हमने लिया है सम्मििट्स का तो डिफरेंट समिट्स जो हुई है अभी रिसेंटली कुछ महीनों में ये रिवीजन उसका है पहला प्रश्न है इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट waves in which state from november 20 to 24 24 november ke andar ye jo wave summit hai ye kaun se state mein hogi correct answer iska goa nato summit 24 kaha hui thi kafi important hai hui thi washington dc mein agla hai which country recently hosted the global india ai summit india ठीक है recently where was first internationally dare

इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द एटी फर्स्ट आई एनुअल जनरल मीटिंग ए और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट दिल्ली तो ये इंडिया आ गया रिसेंटली वेयर वॉज वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी ये कहाँ हुई थी तो ये जिनीवा में हुई थी अगला है रिसेंटली वेयर वॉज शंग्रीला डायलॉग ऑफ एशियन सिक्योरिटी समिट ये कहाँ हुई थी सिंगापुर में तो ये हो गया नेक्स्ट जो है डिविजन का सेक्शन वो हम डिफरेंट पोर्टल्स की बात करेंगे एक बार रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइन लॉन्च मिनरल एक्सप्लोरेशन से, से लॉन्च किया गया था ये हैदराबाद से अगला है व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ यूविन पोर्टल तो ये वैक्सीनेशन सॉरी ये मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ रूटीन इम्यूनाइेशन राइट अगला है portal. Recently, was developed by which ministry? तो ये ministry of

नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री लॉन्च ए पोर्टल नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेन्स एक्सपीरियंस ऑफ नेशनल सर्विसेज एग्जामिनेशन नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन निर्माण तो ये पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस इसका था विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली डिवेलप्ड ई सांख्यिकी पोर्टल तो ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अगला है वॉट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ई समृद्धि पोर्टल तो ये ई समृद्धि पोर्टल जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स टू प्रोक्योर पॉलिसीज एट एम एस पी श्रम पोर्टल जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया तो ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है चलिए अब क्विज देख लेते हैं क्विज है पहला प्रश्न है रिसेंटली विच टू कंट्रीज आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश ए जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म फॉर कार्बन ट्रेडिंग एंड क्रेडिट एडजस्टमेंट थ्रू ए मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन इसका जवाब आपको देना है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड टुआर्ड जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट अभी डिस्कस किया था आपको बताना है रिसेंटली विच अफ्रीकन कंट्री हैज हैजॉइड द यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन ए ट्रीटी टू इम्प्रूव जॉइंट वाटर मैनेजमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स ये आपको बताना है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसड ए टेन परसेंट होरिजेंटल रिजर्वेशन टू अग्निवीर्स इन कॉन्स्टेबल फॉरेस्ट गार्ड जॉब्स आप देखिए और बताइए रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनागरेटेड द सामाजिक अधिकारिता शुअर इन विच डिस्ट्रिक ऑफ उत्तर प्रदेश ये आपको बताना है विच इंडियन प्लेयर वोन ब्रॉन्ज मेडल एट वर्ल्ड जूनियर स्क्वे चैंपियनशिप ट्वेंटी फोर ये आपको बताना है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च लाड़का बहु योजना टू प्रोवाइड जॉब ट्रेनिंग एंड स्टीपेंट फॉर यंग मैन ये आपको बताना है ठीक है मिलते हैं कल और थैंक यू वेरी मच